हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभय प्रताप सिंह। दोस्तों, कल हमने बात करी थी डिफरेंस बिटवीन एंड मीनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके शेयर करना और ये करना ही हमारी मोटिवेशन है। एनीवेज दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि ये रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट, मतलब एक अपने आप में किताब। ठीक है, जैसे कि अब हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, हमने सुना कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 1949 में वो बन गया था। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कुछ इस प्रकार की किताब तैयार हुई। एक किताब है, इस किताब में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया, जो कि हमारे देश का सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बना। ठीक, लेकिन जो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे अमूमन देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन उन देशों में है जहां पे तानाशाही या राजतंत्र काफी रहा। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, राजा लोग थे, क्योंकि राजा को तो किसी किताब की जरूरत है नहीं, है ना। राजा तो जो कहेगा, यार माइट इज राइट, जो मैंने कहा वही कानून है। तो इसीलिए वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। राजा ने जो बात कही, मान लीजिए उसको लिखा भी गया, तो वो एक बात अपने आप में कानून है। वो चाहे तो अगली बार खुद अपनी बात को बदल दे, वो चाहे तो किसी नए बात पर कोई नई बात कह दे, इस प्रकार से। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल एनैक्टमेंट पार्लियामेंट की नहीं होती। ठीक है, अलग अलग एनैक्टमेंट आती रहती है और वो होते हैं। इसीलिए हमें ये पता लगता है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, एक अगर हम देसी भाषा में बात करते हैं, जो रिस्पूडेंशियल भाषा में, तो कैल्सन ने कहा था ग्रंड नॉर्म। ग्रंड नॉर्म मतलब कि एक संपूर्ण सबसे बड़ा, जैसे घर का यू नो कहते हैं ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर, हम लिगेसी, हम बात करते हैं हम किस वंश से हैं, हमारी वंशावली की जो बात है, जो सबसे पुराना आदमी, जो सबसे बड़ा आदमी है, हर आदमी अपनी वैलिडिटी, अपनी वैधता, अपनी लीगल स्टेटस उसी से ड्रॉ करता है, राइट। तो घर में जो सबसे बड़ा है वही सुप्रीम है। इसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जो लॉ है, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी लॉ, उनकी हम वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो चेक करते हैं कि भैया अगर उनका कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के डेरोगेशन में है तो हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर हर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन एक बराबर है। एक्चुअली वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है ही नहीं, हर लॉ ही अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तभी तो स्कैटर्ड है, नहीं तो उसको एक किताब में डालने में अपने को जा क्या रहा है, कुछ भी नहीं। इसी तरह देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम समझें, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एनेक्टेड, एनेक्ट मतलब उसके एक एक निर्धारित डेट पर लिखा गया, और उसको लिखने के लिए एक डेफिनेट बॉडी थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई हमारी। ठीक है, हमारी जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, जिसको हमने अपना, हमने उसको मान लिया और हमने उसको ले लिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोनली रिजॉल्व्ड, राइट। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, वो एनेक्टेड नहीं है, मतलब उसको लॉ की तरह एनेक्ट नहीं किया गया, कोई डेट फिक्स नहीं है, बट इवॉल्व है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आता जा रहा है। आज एक नया लॉ आ गया, कल को एक दूसरा लॉ आ गया, परसों तीसरा लॉ आ गया। भैया देखो, जो जो सिचुएशन आएगी, सिचुएशन पे एक बात कानून बनता चला जाएगा, और ऐसे ही वो बहुत सारा इकट्ठा होता जाएगा। ठीक, तो इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या चीज है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा। देखिए, काफी सुनते हैं हम मैग्ना कार्टा। अब क्या है, इंग्लैंड में देखिए, आपको पता है कि राजतंत्र था, राजा सब कुछ है। आज भी क्वीन को हम देखते हैं, लेकिन क्वीन का रोल अब एक सेरिमोनियल हेड की तरह ही रह गया वैसे लार्ज, पर पहले वो सब कुछ राजा ही थे। तो क्या हुआ, जो किंग जॉन थे ना, एक वहां पे उनके साथ में लोगों में देखो काफी ज्यादा कास होनी रही, काफी चीज, तो वहां पे नेगोशिएशंस हुई और उन्होंने कहा कि देखो राजा साहब, आप एक बात समझ लो, कानून सर्वोपरि है, चाहे राजा, नो वन इज अबव लॉ, नॉर नीदर द किंग नॉर एनीवन। तो आप कानून से नीचे रहेंगे, तो कुछ लोगों को, इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स गारंटी करे गए, कुछ चीजें दी गई। तो उस टाइम जो ये चार्टर हुआ था, ग्रेट चार्टर साइन हुआ था, इसको लैटिन भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये मैग्ना कार्टा 1215 में साइन हुआ। तो ये पहला स्टेप था
जहां पर राजा से राजा कानून को सर्वोपरि बनाया गया, तो ये मैग्ना कार्टा की बात हुई। अब इसके बाद आता है भैया, देखिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कहां का, जैसे यूएसए का बहुत रिजिड है, जल्दी से अमेंड नहीं कर सकते उसे। श्रीलंका का बड़ा फ्लेक्सिबल है, अमेंड होता है, लेकिन दोनों रिटन है। अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट एक नया लॉ और ले आएगी, नया लॉ ले आई या लेजिस्लेचर का अपनी मर्जी है, फिर चलता है, तो फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी बदल सकते हो भैया, उन्हीं की दादागिरी चलती है। अब लेकिन देखिए जो इंडिया है, इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन तो है, लेकिन ये रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अब उसका क्या रीजन है, जबकि हम बात करें अनरिटन तो हमेशा फ्लेक्सिबल है, पर वो क्यों है, तो उसके लिए अगर हम समझेंगे तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक, जो रिलेटेड टू हमारी बाउंड्री से और सबसे रिलेटेड है, आर्टिकल 2, 169(3), ये सब ना बड़े इजीली अमेंड हो सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से कभी भी पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन उसी टाइम कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ऑफ 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, और एक ऐसी मेजोरिटी कईयों केसेस में चाहिए होती है जहां पर 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस द सेम हैज टू बी रेटिफाइड बाय द स्टेट्स आल्सो। जीएसटी याद है ना आपको, जब जीएसटी आना था तो स्टेट से कितनी मशक्कत हुई, कितनी बार्गेनिंग करी गई, काफी कुछ हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से बेस पे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आज तक हम 101 100 से ऊपर अमेंडमेंट्स कर चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल ज्यादा और रिजिड कम है, राइट। एनीवेज देखिए ये सब चीजें ना एक फेडरल पॉलिटी का पार्ट हो जाती है। अब ये बात हमें समझ आ गई कि भैया इंडिया रिजिड भी हो गया, ये भी हो गया। अब अगली बात देखिए, देयर कैन बी बोथ फेडरल और यूनिटरी पॉलिटी। जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, वहां पर फेडरल पॉलिटी भी हो सकती है, यूनिटरी भी। अब सवाल आया भैया फेडरल और यूनिटी क्या है, वैसे ये हमारे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फेडरल कहाँ है, जहां पर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, देयर इज वन बॉडी सुप्रीम जो ऊपर है एंड स्टेट एक नीचे है, उनके बीच का एक राइट, ठीक। अब जैसे यूएसए में क्या हुआ, ये जितनी सारी 50 स्टेट्स हैं, ये अपने आप में इनका स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, और एक कंट्री का। इन स्टेट्स ने एक आपस में फैसला किया एक और कहा कि भैया हम फेडरेशन बनाई और जाकर उस यूनाइट होकर एक अपना बना दिया, सेंटर की अलग पावर, स्टेट की अलग पावर। इंडिया में अगर हम समझेंगे, इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो भी इसी प्रकार का ही है, पर इंडिया में फेडरेशन को हम बोलना, जो हम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इंडिया जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि ये स्वेच्छा से साथ जुड़ी नहीं है, इनको जोड़ा गया है, और भाई साहब अब आप जुड़ गए हो तो भागने का रास्ता भी आपको नहीं मिलेगा। नो, भाग भाग डीके बोस, भाग भाग डीके बोस, भाग डाक, तो मौका वो आपको यहां से बाहर निकलने का भी नहीं मिलेगा। लेकिन तो देखिए जहां पर अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, हमारे यहाँ आपको पता है तीन लिस्ट है, लिस्ट 1, 2, 3, एक यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पावर्स को ना डिफाइन करना पड़ता है, नहीं स्टेट कहेंगे मेरी ये पावर, ये झगड़ा होगा। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है भैया, और जो यूनिटरी पॉलिटी है, यूनिटरी पॉलिटी में क्या है कि भैया एक ही आदमी है, एक ही लॉ सुप्रीम है, वहां पर ये डिवीजन का नहीं है, इसीलिए वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वली गुड वर्क करता है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल पॉलिटी में तो भाई साहब झगड़ा ही हो गया, मर जाएंगे कि मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, इतनी सारी स्टेट्स हैं। इसीलिए फेडरल जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल पॉलिटी में तो मस्ट है, बट हाँ यूनिटरी पॉलिटी में इट कैन बी एनी ऑफ द सेम। अब एक सवाल ये भी आ गया कि फेडरल और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहाँ लिखा है, देखो मैंने आपको वो बता दिया है कि वो यही बात यहाँ पे लिखी है कि मैंने कि जो पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट है ना, जो अच्छे से डिवाइड, अच्छे जो पावर्स है ना, ये पावर्स कौन सी डिवाइड होती है, कभी आपने सोचा है? हम कहते हैं पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, पावर कौन सी भैया, देखो अगर दोनों की अलग अलग है, अब हम देखते हैं आईएएस है, आईपीएस है, तो सेंटर गवर्नमेंट सब नीचे अपॉइंट कर रही है, ये बेसिकली डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है दोस्तों, राइट, लॉ मेकिंग पावर का डिवीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो कई बार ओवरलैपिंग भी है, अलग है। हाँ मैं आपका आर्ग्यूमेंट मान सकता हूं कि कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह में भी ये चांसेस हैं,
बट एनीवेज मैं विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ मैं आपको बताना अभी इसमें काफी कुछ और चीजें हैं। एनीवेज जापान और फ्रांस जो है वो यूनिटरी पॉलिटी है, ठीक है, सो इज यूके। तो अब आपको एक चीज समझ आई। अब देखिए जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वहां पर कानून का राज है, इसीलिए वहां पर सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ सुप्रीम, क्योंकि भैया आप संविधान से बाहर जाओगे तो आपका एक्ट वॉइड हो जाएगा, आप संविधान से बाहर जाओगे कोर्ट, तो दैट मींस यहां पर अब ये वॉइड कौन करेगा? ये कोर्ट करेगी ना, सुप्रीम। तो यहां पर सुप्रीम में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी ब्यूटी जो लाई करेगी वो जुडिशियल रिव्यू करेगी, ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वहां पर जुडिशियल रिव्यू होते हैं। जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स हैं, देखिए लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द लेजिस्लेचर दैट इज सुप्रीम। वो कल को एक और कानून ले आएगा, भैया हम किसी से नहीं डरते हैं, राइट? और लेकिन वहां पर एक फोर्स, वहां पर जुडिशियल रिव्यू नहीं है क्योंकि कोर्ट्स वीक हैं, लेकिन वहां पर पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। इंग्लैंड में आप देख लीजिए, एक बार पब्लिक ने आवाज उठाई तो चक देगा काम। तो दोस्तों अब हमने फटाफट से, मैं एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि देखिए कोडिफाइड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, बाकी लेजिस्लेशन उसके सबॉर्डिनेट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड है, अनरिटन इवॉल्वड है, ठीक। फिर मैग्ना कार्टा को हमने समझा। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी, लेकिन अनरिटन हमेशा फ्लेक्सिबल होगा। इंडिया में कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, और लेकिन जहां भी फेडरल पॉलिटी होगी, स्टेट सेंटर वाला रिलेशन होगा, वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा हमेशा। लेकिन जहां पर यूनिटरी पॉलिटी है वहां पर रिटन और अनरिटन कुछ भी हो सकता है, राइट? हमने एग्जांपल समझा कि इंडिया जो है वो मिक्स बैग है दोनों का, और इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक। और हमने बाकी स्टेट का एग्जांपल पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज सुप्रीम, और जुडिशियल रिव्यू इसलिए हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू कोर्ट सुप्रीम है, बस कोर्ट सुप्रीम नहीं है, कोर्ट्स को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को भी चेक करेंगे, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर इज सुप्रीम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज अगर आपको आपको इस सारी चीज की पीपीटी चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नंबर और नाम मुझे व्हाट्सएप करें, आपको मैं ऐड करूंगा, तो आपको मैं अपने डेली अपडेट्स भेजना शुरू कर दूंगा, अपने जो पीपीटीज हैं आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।